लॉकडाउन लागू होते ही सारी की सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, और इसके कारण जिन लोगों ने अपना रिजर्वेशन कराया था उनके लिए एक समस्या पैदा हो गई है। और समस्या ये है कि वो अपना टिकट का रिफंड कैसे ले, जो टिकट उन्होंने कटाया था उसके पैसे कैसे वापस ले, क्योंकि ट्रेनें कैंसिल हुई तो रेलवे ने टिकट तो कैंसिल सबके कर दिए और सबके पैसे भी वापस करने की बात कर दी है, लेकिन जिन्होंने रिजर्वेशन करा के रखा था उनके लिए ये समस्या उत्पन्न हो गई है, एक कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गई है कि रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के बाद जो पैसे वापस करने की घोषणा की है वो पैसे हमें कैसे मिले, क्योंकि अभी टिकट काउंटर भी नहीं खुल रहा है और रेलवे का कोई भी कर्मचारी अभी आपसे बात भी नहीं करेगा। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। तो जिन्होंने टिकट कराया है और उन्हें अपने पैसे वापस लेने में कन्फ्यूजन या कठिनाई हो रही है, वो इस वीडियो को ध्यान से सुने और देखें, उनकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, रेलवे रिजर्वेशन टिकट दो प्रकार का होता है। एक होता है ई टिकट, जिसे कॉमन बोलचाल की भाषा में ऑनलाइन टिकट कहा जाता है, और दूसरा होता है काउंटर टिकट, जिसके लिए हमें रेलवे के काउंटर के पास जाकर टिकट कटाना होता है। तो जिनका ई टिकट या ऑनलाइन टिकट है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका तो बस रेलवे कैंसिल किया, दो दिन, चार दिन, दस दिन, पंद्रह दिन में बिना कुछ किए, बिना कोई प्रोसीजर किए उनके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। और जिन्होंने कोई शॉप में या कोई कैफ़े में या किसी के थ्रू ई टिकट करवाया है, ऑनलाइन टिकट करवाया है, तो उनके खाते में पहुंच चुके हैं पैसे, आप उनसे जाकर पैसे सीधे ले लीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत, कन्फ्यूजन और समस्या काउंटर टिकट वालों को है, जिन्होंने काउंटर से जाकर टिकट कटाया है, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हीं के लिए वास्तव में वीडियो बन भी रहा है। देखिए, काउंटर टिकट में आपका क्या है कि आपका अकाउंट नंबर होता नहीं है, तो रेलवे किस तरह आपको वापस करे, वैसे तो वापस करेगा नहीं, और रेलवे काउंटर तो अब खुलने वाला है नहीं, तो उसके लिए रेलवे ने व्यवस्था की है, उसके लिए आपको TDR भरना पड़ेगा। TDR क्या होता है, रेलवे जोनल हेडक्वार्टर के चीफ क्लेम ऑफिसर को आपको अपने टोटल ट्रेन का जर्नी डिटेल भरना पड़ेगा। और जर्नी डिटेल में क्या क्या भरना पड़ेगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जर्नी डिटेल में सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा PNR नंबर, दूसरा है ट्रेन नंबर एंड ट्रेन नेम, तीसरा है डेट ऑफ जर्नी, चौथा है फ्रॉम एंड टू स्टेशन, मतलब जहाँ से आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले भरना है और जहाँ तक यात्रा करेंगे उसको भरना है, फिर नेम ऑफ पैसेंजर्स, अगर अकेले हैं तो अपना नाम लिखिए, और आपके और अगर अकेले नहीं हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं तो जितने लोग हैं उनका नाम भरिए, फिर मोबाइल नंबर ऑफ पैसेंजर, मतलब इसमें आपको वो मोबाइल नंबर भरना है जो आपने टिकट कटाते समय दिया था, फिर अगला है क्लास ऑफ ट्रेवल, मतलब स्लीपर था, AC फर्स्ट क्लास था, AC सेकंड क्लास था, या AC 3 टायर था, जो भी हो आपको भरना है। अब फिर है डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ टिकट, उसका मतलब ये है कि आपको जिस दिन मैसेज आया था कैंसिलेशन का वो डेट को भरना है। उसके बाद उसमें भरना है कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड, मतलब कि जो एड्रेस आपने उस वक्त टिकट कटाते वक्त भरा था वही एड्रेस भरना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर विद IFC कोड भरना है, और ये बहुत ध्यान से भरिए क्योंकि इसी अकाउंट नंबर में आपका पैसा आएगा। और एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, आप जो मोबाइल नंबर डाला गया है तो कोशिश कीजिएगा कि वही मोबाइल नंबर से जो अकाउंट नंबर क्रिएट है, मतलब अकाउंट नंबर बनाते वक्त, मतलब कि जब आप बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जो मोबाइल नंबर बोलता है और जो नंबर आप वहाँ दिए हैं वही अकाउंट नंबर डालिएगा तो अच्छा रहेगा। और इतनी सारी जानकारी को इकट्ठा करके आप उसे रेलवे जोनल हेडक्वार्टर के चीफ क्लेम ऑफिसर को सेंड कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने काउंटर टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो काउंटर टिकट लेके फंसे हुए हैं और वो कन्फ्यूजन में हैं, और इसके लिए आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सारी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। इसका आखिरी डेट 21 जून रखा गया है, और जो कि बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है वो डेट भी आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं कि मतलब जिनका डेट निकल चुका है, जैसे किसी का यात्रा 20 अप्रैल को होगा और 20 अप्रैल बीत चुका है, तो ये ना समझे कि मेरा यात्रा डेट निकल चुका है, वो कहाँ से मेरे को पैसे मिलेंगे।
आप बिल्कुल TDR फाइल कीजिए, आपको पूरे पैसे मिलेंगे। और इसकी आखिरी डेट फिर से बता दूँ 21 जून तक है, और जो बढ़ भी सकता है, इसलिए बिल्कुल मत हड़बड़ाइए, आराम से करिए। तो ये वीडियो उन सभी के पास भेज दीजिए, उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेलवे के काउंटर टिकट कटा कर कन्फ्यूजन में है कि मेरे पैसे कैसे वापस होंगे, मेरा पैसा कैसे रिफंड होगा। तो ये वीडियो आप उन सब लोगों को भेज दीजिए, उनका कन्फ्यूजन का निदान हो जाएगा। और दोस्तों इसी टाइप के बहुत सारे वीडियो मैं लेकर आप लोग के सामने आता रहूँगा, और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं जैसे ही बनाऊँ और सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। यकीन मानिए इससे आपको बहुत सारी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी डायरेक्ट सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचारों के साथ।